मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडूता विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की सौगातें बांटी हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ग्रामीण क्षेत्र में 78 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 330 मीटर सबसे बड़े ननंद नरगांव पुल का शिलान्यास किया। इसके अलावा 10 करोड़ 9 लाख की डिग्री कॉलेज झंडूता में बनने वाली साइंस ब्लॉक का भी शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में मत भी मांगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का झंडूता विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिला दिवस पर उपस्थित सैकड़ों महिलाओं को बधाई दी और कहा कि जब तक चुनाव क्षेत्र में पूर्व एक वर्ष के दौरान की गई सभी घोषणाओं को लागू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस दौरान बताया कि आगामी संसदीय चुनावों के कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद बडोल देवी व थुरांग में पटवार सर्कल खोले जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर व विधायक जीआर कटवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का भी धन्यवाद किया। वहीं जयराम ठाकुर ने नरेंद्र मोदी को मजबूत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए उपस्थित जनसमूह से उनके पक्ष में भी वोट मांगे। आपके विभागों में सारे की सारे मेरे क्षेत्र में लागू होते हैं। सबसे आगे मिली सबसे विकास में क्या था, एक सब तरीके सारे डेवलप में उसके लिए ड्राइंग तैयार हो गई। एक तरीके से आपने बजट किया, इसके लिए आपका आभार। एक सब सेंटर था उसको सीधा मैं अपने बंद कर रहा हूँ। सब इंजन फिजिबिलिटी का दिया उसके लिए आपका बड़ा बहुत आभार। और आईबीएस का भी निर्माण दिया उसके लिए भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र को आपने ये अपने बजट में बजट भाषण में हम इसलिए भी बहुत खुश हैं कि तीन औद्योगिक क्षेत्र दिए, एक उद्योग मंत्री के इलाके में, एक ऊना में और एक आपने झंडूता चुनाव क्षेत्र चुना। उसके लिए ये जनता और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जब मैं चुनाव क्षेत्र में कंपेन कर रहा था तो लोगों ने मुझे ये कहा था, सुनने को मिलता था गायब गायब पीछे से कि ये अफसर रहे हैं, डीसी साहब रहे हैं, बोल जाते हैं और उसके बाद कुछ हो या ना हो इनको कोई चिंता नहीं होती। परंतु ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, राष्ट्रवादी सरकार के नेतृत्व में और माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है उससे आज साबित हो गया है कि इतने अल्प वक्त में, मात्र 11 महीनों के दौरान ये चीज़ें स्वीकृत हुई। और जिसके बारे में सोचा नहीं जाता था, मुझे तंज कसते थे कई लोग और मेरे सहयोगी भी परामर्श देते थे कि साहब इसके ऊपर बात ना करें, ये चीज़ हो नहीं सकती। आज हो गई है। 48 करोड़ रुपए की वृक्ष में पानी की स्कीम, 80 लाख लीटर की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिए अभी आप लोगों के समक्ष अपने वक्तव्य में कहा कि जून महीने में उसका शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना 70.52 करोड़ लाख की करोड़ की इस योजना का भूमि पूजन करेंगे और इस क्षेत्र को जो पिछड़ा क्षेत्र है उसके दंश से, उस के जो कलंक है उससे मुक्ति दिलाएंगे। और झंडूता से आपको मैं ये बताऊं कि कीर्तपुर जो अभी 95 किलोमीटर है मात्र 35 किलोमीटर होगा। और ये इस पुल का, इस मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पनौल से जो तक 21.5 किलोमीटर की स्ट्रेच है, इसके लिए 25 करोड़ रुपए और 52 करोड़ रुपए 330 मीटर लंबा पुल जो है नंद नगराव से छिजोटी के बीच में जो बनना है। और ये भी मैं स्पष्ट करूं